नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लेकिन आज नमस्कार नहीं, चमत्कार कहने का टाइम है। जी हां, चमत्कार ही तो है, विकास का चमत्कार। सोचिए, मध्य प्रदेश में कितना विकास हुआ है कि सुबह सुबह ही सरकारी स्कूल का मास्टर दारू चढ़ाकर आ जाता है, और न केवल चढ़ाकर आ जाता है बल्कि बैग में रख कर भी आता है, गला सूखते ही मार लेता है घट घट घट। इसको कहते हैं विकास की दिव्य घूंट। न स्कूल में बेंच है, न डेस्क है, न ब्लैक बोर्ड है, न बाकी सुविधाएं हैं। अगर कुछ है तो विकास की बोतल से निकलती धार और उस धार में डूबे मास्टर के ज्ञान की बौछार। क्या बात है, शिवराज सिंह चौहान के राज्य में विकास की धार बह रही है। इसको कहते हैं बोतल बंद विकास। आपको पता ही है, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इन दिनों विकास यात्रा निकाल रही है। विकास यात्रा में मंत्री, विधायक, भाजपा के नेता, अधिकारी, कर्मचारी शहरी क्षेत्रों के साथ साथ गांव वाले क्षेत्रों के दौरे पर हैं। ऐसी ही एक यात्रा ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर के भितरवार ब्लॉक में निकाली गई थी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी ग्राम मुसाहरी के सरकारी स्कूल का हाल जानने पहुंचे। इन अधिकारियों में एसडीएम सीबी प्रसाद और तहसीलदार शिवानी पांडे भी थी। ये सारे अफसर बता रहे थे कि देखो बच्चों, विकास की रफ्तार देखो, उसकी धार देखो। इस पर बच्चों ने खिलखिलाते हुए कहा कि विकास की रफ्तार तो ठीक है मैडम जी, लेकिन पहले आप दारू की धार देख लीजिए जो मास्टर साहब की आत्मा तक चढ़ी हुई है। कुछ चढ़ा कर आते हैं, कुछ बैग में दबा कर आते हैं। एक बच्ची ने टीचर की तरफ इशारा करते हुए बेखौफ होकर बोला, ये वाले सर जी दारूबाज हैं। बच्चे जोर से बोले, सर के बैग में अभी भी बोतल रखी हुई है। पहले तो तहसीलदार और एसडीएम को यकीन नहीं हुआ कि प्राइमरी स्कूल का मास्टर सुबह के 8 बजे विकास की दारू चढ़ाकर आता है स्कूल में। लेकिन जब वो लड़खड़ाता हुआ सामने आया तो सब समझ गए कि सच क्या है। उसकी जुबान से भी विकास की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी सुबह सुबह। तहसीलदार भी बोल पड़ी कि इसका चेहरा ही बता रहा है पीकर आया है। उन्होंने डांट लगाई कि दारू पीकर पढ़ाते हो, बच्चों को परेशान करते हो, शर्म नहीं आती। जमीन पर बैठे हुए बच्चों ने तहसीलदार और एसडीएम से शिक्षक शिव प्रसाद रावत और शिव कुमार प्रधान की शिकायत कर डाली। बच्चों ने शिक्षकों के सामने ही कहा कि सर ठीक से पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन कमाल देखिए, और बच्चों की मासूमियत देखिए, उनकी सच्चाई देखिए, उनकी समझ देखिए। दो शिक्षक जो ठेके पर रखे गए हैं, जिन्हें कम पैसे मिलते हैं, उनके बारे में बच्चों ने कहा कि यही दोनों अच्छा पढ़ाते हैं। जो परमानेंट हैं, जिन्हें तगड़ी तनख्वाह मिलती है सरकार से, उन्हें तो पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब भी नहीं है। उल्टा स्कूल में शराब पीकर आ जाते हैं और शराब में मिलाने के लिए पानी भी हमसे मंगाते हैं। तो क्या समझे, इसको कहते हैं डबल इंजन का विकास, और इसको कहते हैं विकास की धार। विकास जब लबालब भर जाता है तो उसे बोतल से निकाल के गिलास में ढाल के घूंट घूंट पीना पड़ता है, नहीं तो विकास बुरा मान जाता है। आपको क्या लगता है, विकास को संभालना कोई आसान काम है? शिवराज सिंह चौहान को एक काम करना चाहिए, बच्चों के स्कूलों को शाम में बार में बदल देना चाहिए। बार बोले तो मैखाना। सुबह बच्चे पढ़ लिया करेंगे और शाम को मास्टर जी वहीं घूंट चढ़ा लिया करेंगे। सोचिए कितना बढ़िया नारा बनेगा, मध्य प्रदेश के स्कूलों में विकास की नई बयार, पढ़ाई भी, चढ़ाई भी, कमाई भी। मेरा विचार है ये आइडिया अडानी के सामने रखना चाहिए। विकास के इस अभिनव विचार का क्रियान्वयन उनसे बेहतर अखा इंडिया में कोई नहीं कर सकता। अरे आप तो हंस रहे हैं, हंसिए मत, सोचिए। विकास का घुंघरू पहनाकर
आपको जो नचाया जा रहा है वो इस देश के भविष्य को ले कहां जा रहा है, सोच कर देखिएगा। सर हैं जो शायद कितने टीचर हैं आपके आपके कितने टीचर हैं? चार है, चौथे टीचर के हैं, चौथे कोई आते हैं? और ये मास्टर साहब कभी नहीं पढ़ाते और जो आए तो लोग की पढ़ाई नहीं होती है। और सर ये दारू भी पीती है, कह रहे हैं दारू आपका दारू पी के परेशान करते हैं। अरे सर एक भी तो सही है, बैग में पकड़ी है, बैग में पकड़ी है, अभी है बैग पकड़ रहे हैं। देखो मैं मास्टर साहब का बैग का नहीं है मैडम, अभी नहीं सर, मेरी दवाई की दवाई तो और बाकी बाकी बच्चे क्या बताएंगे, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, नहीं लोग परेशान हो रहे हो। एक ही स्कूल है यहाँ पे, अब चार मास्टर है, चौथे मास्टर कहाँ जाते हैं? चौथे वाले कौन है? चौथे वाले आज क्या आज मैडम ये टीचर की ये कह रहे हैं कि ये पढ़ाते हैं, ये भी कह रहे हैं कि ये पढ़ाते हैं, ये इसके साथ आ गए, ये यहाँ स्टूडेंट नहीं है, ये बच्चा यहाँ स्टूडेंट नहीं चाहता। एक काम ही नहीं होते हैं कि इसका पापा का फोन आया कि बच्चा मंदिर में बुला बुला के आया हूँ, हर बार चले जाते हैं, खोर जाता हूँ बच्चों को भेजो, आ गया संख्या बढ़ाने के लिए, नहीं 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 बच्चों को भेजो और बच्चे आएंगे तो पढ़ेंगे, नहीं 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 महोदय जी पालक ही नहीं भेज रहे, अभी अपन के बच्चों को निवेदन कर करके भेजे यहाँ से दे दी चलाते पढ़ा रहे हैं। और ये दोनों आते हैं पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं इनका क्या नाम है? और ये मोदी सर भी पढ़ाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तुम्हारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है @article19_india और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।